नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज़। हरियाणा सफाई कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदेश भर में सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 3 दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। नगर पालिका सफाई कर्मचारी संघ के आह्वान पर कर्मचारियों ने 25 से 29 सितंबर तक भूख हड़ताल पर रहने का फैसला लिया है। रेवाड़ी के कार्मिक भूख हड़ताल के तहत 11 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सफाई कर्मचारी भूख हड़ताल पर रहकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी करते नजर आए। सफाई कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो सफाई कर्मचारियों द्वारा रोहतक में एक बड़ी रैली का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अगर उसके बावजूद भी उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वहीं से कर्मचारी संघ की ओर से अनिश्चितकालीन धरना का ऐलान किया जाएगा। रोहतक में 15 अक्टूबर को सभी नगर कर्मचारी ने एक बड़ी रैली निकालने का फैसला लिया है। आइए सुनते हैं हड़ताल पर बैठे हुए कर्मचारियों ने क्या कहा। हमारे साहब ने बताई दी है कि 2 बार समझौता हुआ है सरकार से, लेकिन एक बार भी उन्होंने समझौता लागू करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा रोष है क्योंकि कच्चे कर्मचारी अभी बता उड़ीसा के अंदर भी कर दिए गए, और नई ताज़ा बात है पंजाब गवर्नमेंट ने भी जो कच्चे कर्मचारी थे उनको पक्का कर दिया है। बार शहर की सफाई व्यवस्था पे असर तब पड़ेगा तब हड़ताल होगी। अभी भूख हड़ताल पे बैठे हैं तो 11 कर्मचारी रोज भूख हड़ताल पर बैठे हैं, ये 5 दिन तक है। 15 तारीख को रैली होनी है जो भी बता दिया हमारे नेताओं ने, वहाँ पे कोई भी घोषणा हो सकती है, अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा भी हो सकती है। अगर सरकार चाहे तो ये हड़ताल को टाल भी सकती है। वार्ता 2 बार हो चुकी है, 22 अक्टूबर 2022 को और 5 अप्रैल 2023 को 2 बार वार्ता हुई, लेकिन क्या है कि उस टाइम जब हड़ताल या धरना प्रदर्शन करते हैं तब तो सरकार बातचीत के लिए बुला लेती है, उसके बाद ना ही कोई लेटर जारी करती है ना ही उनकी मांगों को कोई समाधान करती है। मैं सुरेश नोरा, मुख्य संगठनकर्ता सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। भूख हड़ताल पर बैठे नगर पालिका कर्मचारी संघ रिवाड़ी के अंदर जो कर्मचारी हैं, इनकी तमाम मांगों का मैं समर्थन करता हूं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से, और कहना भी चाहता हूं सरकार से 2 समझौते हुए हैं, 29 अक्टूबर 2022 को, 5 अप्रैल 2023 को जो समझौते नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के सरकार के साथ हुए हैं, सरकार उनको ईमानदारी से लागू करे। क्या मांगे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। रेगुलाइजेशन की बड़ी मांग है। हम ये कहना चाहते हैं आज की इस भूख हड़ताल में कि भाई हरियाणा सरकार कर्मचारियों की रेगुलाइजेशन को लेकर के कोई नीति बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेगुलर करे। ये भी कह रहा हूँ साथ में कि उड़ीसा के अंदर 57,000 कर्मचारियों को एक मुश्त रेगुलर किया गया, लेकिन हरियाणा के अंदर 9 साल में एक भी कच्चे कर्मचारी को पक्का भाजपा सरकार ने नहीं किया, इसकी भी हम निंदा करते हैं। और ये भी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, इसके बाद अगर इनकी मांगों का समाधान नहीं होता है तो 15 तारीख को रोहतक के अंदर नगर पालिका कर्मचारी संघ बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जो हम ये इसलिए भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में चुनाव भी है, और सरकार जब हम आंदोलन करते हैं तो बातचीत करती है, सभी मांगों पर सहमति जताती है, और सहमति के बाद उन मांगों को लागू नहीं करती। इसका भी हम ये कहना चाहते हैं, उन मांगों को लागू किया जाए, नहीं तो बड़ी रैली 15 तारीख को नगर पालिका कर्मचारी संघ रोहतक में करेगा, और वहाँ से और उसके बावजूद भी उनकी मांगों का समाधान नहीं होता है तो वहाँ से स्ट्राइक की घोषणा भी नगर पालिका कर्मचारी संघ करेगा। धन्यवाद।